नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के ऐलान के साथ ही चीन और पाकिस्तान का खेल शुरू हो गया है। अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए अफगानिस्तान के अरबों डॉलर भी जब्त कर लिए थे, जिससे तालिबान एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया था। अब चीनी ड्रैगन और उसके आयरन ब्रदर पाकिस्तान ने तालिबान के लिए अपना खजाना खोल दिया है। चीन ने जहाँ 31 मिलियन डॉलर की सहायता की है, वहीं पाकिस्तान ने 3 प्लेन भरकर खाना और दवाई भेजी है। हालांकि वे अलग बात है, जहाँ पाकिस्तान सरकार को देश चलाने के लिए दूसरे देश से कर्ज लेना पड़ता है, और आज वही सरकार आतंकवादी सरकार वाले देश को खाना और दवाएं भेज रही है। वाह रे पाकिस्तान सरकार। वैसे मैं आपको बता दूं कि तालिबान को चीनी और पाकिस्तानी दान के पीछे देने की कुटिल चाल छिपी हुई है, जो आने वाले समय में पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। वही चीन ने तालिबान सरकार के गठन के एक दिन बाद कहा कि 31 मिलियन डॉलर की सहायता में खाद्यान्न, ठंड से बचने के लिए जरूरी सामान, कोरोना वायरस वैक्सीन अफगानिस्तान को देगा। ये सारी बातें चीन ने पाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के राजनयिकों के साथ बैठक में ऐलान किया था। वहीं आपके जहन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान की इतनी सहायता क्यों कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि चीन और कंगाली हालत से गुजर रहा पाकिस्तान यूं ही तालिबान सरकार पर पैसा नहीं उड़ा रहे हैं। चीन इसके जरिए अफगानिस्तान में अमेरिकी की जगह लेना चाहता है। चीन अफगानिस्तान में सेना तो उतारना भेजना नहीं चाहता, लेकिन वह चाहता है कि अफगानिस्तान उसके बेल्ट एंड रोड इन्वेस्टमेंट से जुड़े। चीन को उम्मीद है कि इससे अफगानिस्तान का आधारभूत ढांचा बेहतर होगा और करीब 1 ट्रिलियन डॉलर की खनिज संसाधन पर कब्जा कर सकेगा। अफगानिस्तान के इन खनिज में सोना, तांबा, लिथियम, रेयर अर्थ शामिल है। वही चीन पाकिस्तान के CPC प्रोजेक्ट का विस्तार अफगानिस्तान तक करना चाहता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।